दुर्ग स्व सहायता समूह की महिलाएं अब मछली पालन के व्यवसाय में भी अपनी रुचि दिखा रही हैं। शासन की मदद से वे अब विभिन्न किस्मों की मछलियों का पालन कर व उसे बेचकर आर्थिक लाभ ले रही हैं। सच्ची हूँ, हमारे चंदखुरी गौठान में दुर्ग जिले का ऐसा पहला गौठान है जहाँ पर रंगीन मछली पालन का कार्य किया जा रहा है। हमको रंगीन मछली मत्स्य विभाग द्वारा हमें प्राप्त हुआ था। चार प्रकार का मछली हमको प्राप्त हुआ था। जो जब हमें मिला हुआ था तो वो काफ़ी छोटा था। उसको ग्रोथ करने के बाद में उससे जो ब्रिड हुआ है उसको हमने सेलिंग किया है। तो हमने सेलिंग 18,000 तक का हमने सेलिंग किया है और यह फीस ऐसा है जो 15 दिन में ब्रीड कर जाता है। और हमने जब स्टार्ट किया था तो हमको 400 नग मिला था, आज बल्क में 2,000 नग हो गया है। तो एक समूह के लिए एक कम लागत में कम समय में काफ़ी मुनाफे वाला यह कार्य है, जिससे समूह भी और हम लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि गौठान में हमने एक नया चीज़ प्रारंभ किया है। इससे समूहों को ये फ़ायदा हो रहा है कि वो कम समय और कम मेहनत में ही यह कार्य कर सकती है। इसमें लागत अगर आप कार्य प्रारंभ कर, हम लोग स्टार्टिंग जब किए थे तो हमने एक टब से प्रारंभ किया था, आज हम टंकी में इसमें कल्चर कर रहे हैं। तो इसमें कोई खर्च नहीं है, सिर्फ इसमें फ़ायदा ज़्यादा है और आपका मेहनत भी ज़्यादा नहीं है। अगर एक दिन में आप एक घंटे भी कार्य देते हैं, अपना समय देते हैं, तो भी काफ़ी है। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार, आर्थिक स्थिति में से काफ़ी सुधार आया है, क्योंकि समूह की महिलाओं को ये वो सोचते हैं कि हमें कम खर्च में ही हमें मुनाफा हाथ में आए। तो ये वही कार्य है, इनको कम खर्च में इनका मुनाफा हाथ में आ रहा है। जय जोहार, मेरा नाम दीपिका चंद्राकर है, ग्राम चंदखुरी से। मेरा समूह का नाम जय शक्ति स्व सहायता समूह है। हम लोग मछली का पालन कर रहे हैं, साथ में रंगीन मछली का पालन भी कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग मत्स्य विभाग से मछली मिला था चार प्रकार का, वो बहुत छोटा था, हम उसको बढ़ा के बेचे हैं, 18,000 का बेचे हैं और लागत 5,000 का हुआ। कुल इनकम हम लोग को 13,000 का मिला है और कम समय और कम लागत में हम लोग को अच्छा मुनाफा हुआ है। उसके कारण हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत सुधार आई है और इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बहुत